कहते हैं नया सवेरा नया सूरज ही नहीं बल्कि नई किरणों के साथ एक नया जुनून, एक नया जज्बा और एक नया उत्साह लाता है। हर काली गहरी अंधेरी रात के बाद सुकून और खुशियों का उजाला दे जाता है। पर पिछले वर्ष जो सूरज निकला था, नई महामारी का संकट लाया था, कई अपनों को खोने का उसने संदेश हम तक पहुंचाया था, तन्हाई और तबाही का वो एक अद्भुत सैलाब लाया था। चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, कोरोना से लड़ने का हर कोई अपनी तरफ से एक नया उपाय खोज रहा था। इस कठिन घड़ी में हमें सिर्फ चिकित्सकों का ही सहारा था, सरकार ने भी हर कोरोना योद्धा का शुक्र तहे दिल से मनाया था, उन्हें सम्मानित किया था। सबने साथ मिलकर घर में रहकर इस वायरस को हराया था। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को हमने खुलकर अपनाया था। कई महीनों के निरंतर प्रयास के बाद एक नया उजाला आया था, जो अपने साथ रोशन सवेरा लेकर आया था। सब सामान्य होगा ऐसा संदेश आया था, पर खुशियों को हमारी आज एक बार फिर ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमारे आजाद कदमों ने हमारा रास्ता भटकाया है। फिर इस बार चिड़िया की चहक नहीं, अपनों की चीख सुनी है मैंने। हमारी लापरवाही से इस COVID-19 की फिर विजय हुई है। आलम तो यह है अस्पतालों में इस बार कि मरीजों से लंबी मृतकों की कतारें लगी हैं, क्योंकि नव रूप लिए ये वायरस प्रचंड रूप में स्थापित हुआ है। फिर उमंग की नव किरणों को इसने खुद में कैद किया है, आशा और उम्मीदों का बांध एक बार फिर टूट रहा है। पर हम लड़ेंगे, हम डटेंगे, हम घर पर ही रहेंगे। इस COVID-19 से हम नहीं डरेंगे और खुद को सुरक्षित करेंगे। सिर्फ ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का हाथ एक बार फिर हम थामेंगे, भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचेंगे, ऐसा वादा हम खुद से करेंगे। क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारे अपने सुरक्षित रहेंगे, और इस बार इस वायरस को हम संपूर्णतः हराएंगे। क्योंकि भारत को हमें बनाना है एक सर्वश्रेष्ठ भारत, और कोरोना की बेड़ियों से मुक्त कराएंगे।